उसके साइज की मिलती जुलती? हाँ मिलती जुलती, मतलब कि उसकी बहन कोई, उसकी कजन कोई, फलाना कुछ भी है, कुछ भी चलेगा। दो ही बातें हैं भाई, खा लो या खिला दो। शदाता समझ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे तबीयत है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, हम पाकिस्तान आ गए हैं और एक नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये है अब्दुल हमामी, क्या हाल है अब्दुल हमामी, कैसे तबीयत है? तो आज हम जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे एक ज़रूरी मीटिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है। ओए गाड़ी लगते लगते बच गई। मुझे पाकिस्तान आने के बाद हम अपना आज का दिन अपना कह लो कि अब्दुल रहमान के साथ गुजारने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं कि अपना कितनी टफ लाइफ जा रही है। ठीक है, इस टाइम कितने बिजी शेड्यूल्स चल रहे हैं आपको बता भी नहीं सकते, है ना भाई। कितनी अपॉइंटमेंट्स हमारी, हमने पता नहीं दुबई की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, हमने यूके की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी, हमने अमेरिका की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। अब आपको क्या बताएं यार, अपना दुख कितना बड़ा। लो जी हम एयरपोर्ट आ गए हैं। ठीक है भाई, रात को तुम आए हो एयरपोर्ट, फिर ले आए हो एयरपोर्ट के लिए? नहीं आए हो कम होंगे नहीं। एयरपोर्ट भाई मिलने आए हैं भाई, अपना बड़े अफसरों से मिलने आए हैं, कहते हैं एयरपोर्ट खरीदना है इसमें। हाँ, हाँ। हैं यार, वैसे हमने खरीद के क्या करना है, इतना बड़ा एयरपोर्ट यार नहीं नहीं हमारे किसी काम का नहीं है दोस्त, खरीद सकते हैं लेकिन हमने, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, हमने अपना क्या लोग खरीदना भाई, डील कैंसिल। लो जी हम फाइनल अपना कह लो कि एयरपोर्ट की डील करके बाहर निकल आए हैं। ठीक है, अच्छा अब्दुल रहमान मेरी जान, अगर रास्ते में ना मैंने ना एक गोल्डन मैन को देखा था, देखा था आपने गोल्डन मैन को? हैं देखा था गोल्डन मैन को? यार गोल्डन मैन के पास ना ऐसे ना ऐसी गाड़ी घुमा के ना ब्रेक लगाएंगे, ठीक है ना, उसको कहेंगे गाड़ी में बैठ। यार उसके साथ छोटा सा प्रैंक तो बनता ना यार, वो बड़ी मेहनत कर रहा। ठीक है, फिर गेम हो जाएगी और क्या होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, फिर हम उसको हैप्पी कर देंगे ना। सही है, समझती है ना? सही ठीक है ना, फिर उसके हम हैप्पी कर देंगे, कहेंगे कैमरे में देख के हाथे ला दें। ठीक है ना? सही है, सही है। सही है, तो तूने कैमरा पकड़ना है और मैंने गाड़ी रोकनी है, और फिर उसके कहना गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, उसके साथ प्रैंक करते हैं। ठीक है ना, ओम के करो, ओम के। बस हम पहुंचने वाले हैं। ओ ये 110 की स्पीड पे जा रहे हैं। ओहो 240 की स्पीड पे हो गए। ओहो 320 की स्पीड पे हो गए। ओहो वापस आ जाओ, बदी जा रहे हो, बदी जा रहे हो। वापस आ जाओ। ओ बस पहुंचने वाले हैं। किधर है गोल्डन मैन? मेरे ख्याल वो खड़ा है, वही खड़ा ना, ये खड़ा बाबा, ये खड़ा आया ना दल, आ गया ना दल। ये हमारे मुर्शिद हैं। सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ, अच्छा। शाम 5 बजे तक या मेरा दिल ही नहीं किया यार, उसके तो कसम खुदा की। तो मैं गया तेरा जाती है गरीब, नहीं मेरा दिल ही नहीं किया यार, गरीब बंदा जाती है गरीब बंदे के साथ जाती है। बस अपना इसको हैप्पी कर निकले ना यार। अब्दुल रहमान यकीन कर उस बेचारे के साथ ना ज्यादती हो गई थी, ठीक है, वो डर गया था, उसकी शक्ल से देख के मुझे ना हो गया कि नहीं यार जेन्युइन गलत हो गया भाई, ये सारा प्री प्लान काम होता है, किस तरह बताऊं, ये आपको क्या रियल फैक्ट से नजर आती है सर? ना यार नहीं यार, ये प्री प्लान से नजर आते हैं, नहीं यार नहीं यार, प्री प्लान होता है। अच्छा आप रियल करने जा रहे हो, बाद में अगला आपके साथ प्रैंक कर दे तो आपकी पत्ती गुल हो जाए, आप बड़े शान हो जाए। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, उसके पीछे तो 10-2 बंदे भाग के आए थे, वो आपने नोट ही नहीं किया वीडियो में, आए थे आए थे। ऐसे की हो रहा हमारे साथ प्रैंक हो जाता तो हम क्या करते, इससे अच्छा भाई पहले प्री प्लान करो फिर काम करो। बाकी दो बंदे आगे पीछे खड़े हो गए थे, हाँ। कि पता नहीं हम क्या कह रहे हैं उसे भाई, इससे पहले प्री प्लान उसे बातचीत करो कि हम इस तरह आएंगे, इस तरह प्लान करेंगे, आपने ऐसे रिएक्शन देना है और ऐसे ऐसे ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, फिर वो कहेगा ओके डन। और ऊपर से माशाल्लाह इकट्ठे 20 बात पे करा दिया हमने उसको। हम जेन्युइन अपने कल के ना उस यार के साथ ना प्रैंक करते हैं, क्या ख्याल है करें प्रैंक?
उससे पहले बताना उसको पहले किसको यार स्क्रिप्ट प्रैंक करने को मेरा दिल नहीं कर रहा वहाँ करती होगी स्क्रिप्ट प्रैंक लेकिन ना मैं उसके साथ ना जेन्युइन प्रैंक करना चाहता हूँ ऐसा क्या प्रैंक करें बता तो सही जेन्युइन प्रैंक उसको हिला दें हैं ऐसा क्या प्रैंक हो फगर के हिला दो यही हो सकता है एक काम हो सकता है उसको लाइव कॉल कर लाइव कॉल करता हूँ और उसको कहता हूँ यार उजार एक बहुत बड़ा काम ना अनकरीब उसकी लॉन्चिंग है ठीक है और कोई तीन चार दिन में ना वो एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है ठीक है और उसका वो जो है ना शूट्स और जो कलेक्शन है उसकी वो सारी मेरे पास है ठीक है मैं हैंडल कर रहा हूँ तो मैं उसको कहता हूँ यार वो जो तेरी कलेक्शन है ना वो सारी ख़राब हो गई क्या ख्याल है बोल समझ नहीं आ रहा नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना क्या उसको 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 कहेंगे फ़ोन करके कहेंगे कि भाई वो जो आपकी कलेक्शन है ना वो ना मैं प्रेस करवा रहा था प्रेस पे भेजी थी उसे ना सारे सूट ना प्रेस पे ख़राब हो गए क्या कहता है नो वर्ड्स क्यों डरता से नहीं भाई फिर सारा प्री प्लान काम होता है मैं बता रहा हूँ नहीं यार मुझे प्री प्लान नहीं करना ना अच्छा चल ठीक है उसकी कलेक्शन में नहीं छेड़ते ये कहते थे मॉडल भाग गई ये कह दो हैं ये कह दो कि यार मॉडल ना आउट ऑफ कंट्री चली गई है हमारा जो शूट है ना वो दो तीन दिन में होने वाला है ठीक है लेकिन वो पोस्टपोन हो गया 15 तक कोई तारीख नहीं मिल रही 15 दिन तक कोई तारीख नहीं मिल रही क्या ख्याल है इतना कर रहे हैं सही है ठीक है फूंग रहा उसको लाउड स्पीकर पे डाली लाउड स्पीकर में मुझे उसके उसके आगे से रिजल्ट देखना ये बाबा बहुत मजा आने वाला है देखते हैं क्या रिएक्शन देता है वो आगे से इधर ले गया फोन लाउड स्पीकर पे डाला नंबर तो जेन्युइन ठीक मिला ला नंबर तो ठीक मिला ला भाई वो उठा नहीं रहा अच्छा उठा नहीं नंबर सही है नंबर सही है यार तुझे मेरे को तो तीन दिन काम करा रहे हो ठीक है एक गड्डी चला रहे हैं मैं ठीक है उतो पे जो ब्लॉग बनांदे हां गल ही नहीं देनी ओए तो मैं ब्लॉग बनांदे हां ठीक है उतो तो मुझे कॉल भी कराती है फिर एक आधा चालान भी करा दियो हैं ठीक हो गया तो अभी ना उसके साथ प्रैंक करने हैं दो चार दिन में ना उसके साथ शूट है ठीक है मंडे वाले दिन उसने शूट रखा हुआ ठीक है तो उसके साथ प्रैंक करते कि मॉडल भाग गई है आउट ऑफ कंट्री चली गई है ठीक है वो 15-20 दिन के लिए बाद बाहर आएगी तो हमने ना उसका रिएक्शन देखना क्या ख्याल है कपड़ों का शूट करने आना हाँ वही अपना ब्रांड का उसका सारा हैंडल मेरे पास आया हुआ ना तो प्रैंक करते हैं उसके साथ एक प्रैंक यार उसको कॉल करो पहले भी उसको कॉल की है उसको कॉल नहीं मिल रहा लाउड स्पीकर पर बात करते हैं लेट्स ट्राई कि देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है उसे उसको बड़े ही अपना सेंटी सी आवाज में अपना कॉल करते हैं ठीक है ना यार ये कैमरा तू पकड़ ले कैमरा तू पकड़ ले की कॉल आ गई है ठीक है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है उजैर आवाज कट रही है किधर है बैतुल मुस्तकीम मस्जिद नमाज पढ़ ली जा रहा है चल जाके मुझे अपडेट कर यार एक बैड न्यूज है यार उस्ताद एक बैड न्यूज है यानी वो अपनी मॉडल है ना वो आउट ऑफ कंट्री चली गई है वो कहती 15-20 दिन में होंगी तो अब क्या करें किसी और को उसका साइज़ ठीक हुआ है
मसला हो गया फिर? बहुत हैवी मसला हो गया यार। तो उसे कहना था कि ये आपको इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। फिर अब क्या? उसे कहो ना आपका साइज देखिए, ये क्या चवल मारी है यार। मैं यार यकीन कर बड़ा ना अपसेट सा हो गया हूँ, डिसहार्ट सा हो गया हूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ। ये क्या हो गया? अब क्या करें, मशवरा दे कोई। उससे पूछ उसके साइज की कौन है और कोई मैनेज करके। उसके साइज की कौन है उससे पूछूं? पूछो ना, कैसे पूछो आपके साइज की, या आपके जैसी मिलती जुलती कोई बंदी ले दूंगे। हमने तो लॉन्च करना है, हम तो आपकी वजह से बैठे रहेंगे फिर। उसके साइज की मिलती जुलती? हाँ मिलती जुलती, मतलब कि उसकी बहन कोई, उसकी कजन कोई, फलाना कुछ भी है। कुछ भी चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा, ऑब्वियसली कुछ तो होगा ना, मतलब कि उसका इंस्टाग्राम कोई थोड़ा अच्छा हो, उसे को कुछ इस तरह मैनेज करो। आप देखो ना, अगर कोई शो अभी नहीं हो, हमने करनी होती हुई अभी इस टाइम आप हमारे साथ वो हैंड कर रही हो, तो आप हमें कंपनसेशन भी तो हो ना यहाँ पे, बताओगे यार ये फलाना बंदी है इसके साथ मैनेज कर लो, और मैं इससे बात करती हूँ, आपको चार्ज भी इतना नहीं करेंगे, मतलब कि जो सेटिंग हमारे साथ है उसी के साथ हो जाएगी। अच्छा बात करो ना। नहीं मुझे समझ नहीं है उसके साइज की, उसके 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 जैसे साइज तो मैं आ गई यार, जिस तरह तो मैंने नहीं होती, सेम फिजिक होती है ना। अच्छा तो सेम सेम फिजिक्स फिजिक। अच्छा फिजिक तो किधर है इस टाइम? बताया तो है। हाँ बैतुल मुतकिन। कोई नहीं यार, जनी जैसे प्रैंक कर रहा था शिदादे लोग चल रहा था जब से एक छोटा था प्लान। लेकिन यार तेरा रिएक्शन मुझे क्या नहीं आया। मैं वेला हूँ। चल ठीक है, ओके 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 हाफिज। लो जी भाई, अब्दुल मान को भी छोड़ दिया, लेकिन अपना उजैर के साथ जो प्रैंक किया बड़ा ठंडा सा रिएक्शन आया। ठीक है, खैर ये फर्स्ट प्रैंक था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्या रिएक्शन देगा। खैर कोई बात नहीं है, तो अभी बड़ा ठंडा सा रिएक्शन आया, अब्दुल मान को हमने छोड़ दिया। अब अपना क्या करें यार इब्राहिम? देख नहीं कुछ, वेले हैं हम, बता क्या करें, वेले हैं। ये भी किसी किसी का साहब होता है, हर किसी के भाई काम नहीं होता वेले वाला। अच्छा हर कोई वेला नहीं रह सकता? नहीं ना, है? हम जैसे होते हैं 6 दिन वेले होते हैं, 7 दिन की इतवार की वैसे ही छुट्टी होती है। भाई ये भी सही है, 6 दिन वेले रहना, 7वें दिन है संडे ऑफ। थक जाते हैं ना वेले रह रह के, थक जाते हैं भाई। यही है, सही है सही है सही है सही है। अब यार कुछ खा ले, कुछ खाना है? नहीं खाना कुछ भी नहीं है, दो ही बातें हैं भाई, खा लो या खिला दो। शदाता समझ गया। चलो कुछ खाते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।